18-19 में इस कार्यक्रम को शुरू होने के उपरांत अभी तक लगभग 25 लाख बच्चे या उसकी लाभार्थी बने हैं। इस बार इसका टारगेट रखा गया है 10 लाख एक साल में टारगेट ये लंबी छलांग लगाने के लिए एक मन बना है सबका और मेरे को पूरा भरोसा है क्योंकि इंडस्ट्री उसकी अहम भूमिका में रहता है। इंडस्ट्री मन बनाया है कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी के साथ क्वालिफाइड लोग एक प्रोसेस में मिलेंगे। आपको बाध्यता नहीं है किसको लेना, आप इंटरव्यू करके लेते हो। आप हम लोग हर एक महीने में एक सेट हो गया है देश में, राज्य सरकारों की नेतृत्व में शायद सभी जिलों में उसकी सिलेक्शन होती है या उससे कुछ ऊपर की सेंटर में होती है, सभी जिलों में पोर्टल के माध्यम से सभी जिलों में मेला टाइप का। मैंने एक दो जगह पे गया है कभी, वहां इंडस्ट्री भी आता है, लोकल आईटीआई ट्रेनिंग इकोसिस्टम के लोग बैठते हैं और सिलेक्शन करते हैं बच्चों को, उनको जो पसंद होता है उनको लेके जाते हैं, फिर उनको 6 महीना साल भर 2 साल तक रखते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, फिर वो मार्केट में जाता है अपने कॉम्पिटेंसी के ऊपर, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, एंटरप्रेन्योर भी बनता है उसमें से कोई। और इस बार इसको 10 लाख तक लेने के लिए योजना बनाई गई। हम इतने में अटकेंगे नहीं, अभी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जैसे यह हमारा अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स नैप्स चलता है, ऐसे हायर एजुकेशन में नैप्स चलता है एनएटीएस, उनको मैंने कहा कि जो डिप्लोमा और डिग्री है, पहले उसमें सिर्फ डिग्री इंजीनियरिंग वालों को देते थे वो अप्रेंटिसशिप का सुविधा, हमने अभी उसको, क्योंकि दुनिया बदल रहा है, जॉब की नेचर बदल रही है, आजकल फिनेंशियल फिनटेक एक ऐसा एक दुनिया बनी है जिस फिनटेक में बीकॉम वाले स्टूडेंट चाहिए, आईकॉम वाले स्टूडेंट चाहिए, उसके लिए कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या डिग्री इंजीनियरिंग का आवश्यकता नहीं है। उसकी इंडस्ट्री कौन होगा, उसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म, कंपनी सेक्रेटरीशिप की फार्म, कोई सोशल एनालिसिस करने वाले संस्था, सोशल कंसल्टेंसी करने वाले व्यवस्था में भी वो अप्रेंटिसशिप ले सकता है। नैट्स और नैप्स दोनों को हम लोग भरपूर इंडस्ट्री यूज करें। भारत सरकार की ओर से सालाना, मैं तो अभी इसका कैलकुलेशन कर रहा था, स्पेंडिंग ये यही हो जाएगा अगर 10 लाख करेंगे एवरेज। आप इंडस्ट्री को मैं दायित्व देता हूं, 1,500 रुपया हम देंगे, अगर आप उसके ऊपर 1,500 की 75% आपको देना पड़ेगा, यानी कितना होता है 7,500 रुपया। 7,500 रुपया आप दोगे, मैं टोटल उसके अमाउंट होगा 5,000 रुपया आप दोगे, 6,000 रुपया आप दोगे, तो हम 1,500 रुपया देंगे, 6,000 रुपया। 6,000 रुपया की पेमेंट में आप दोगे 4,500 रुपया, हम देंगे 1,500 रुपया। 1,000 रुपया भी हमसे आप लेने में आपको 4,000 रुपया कि उसके हायर स्टाइपेंड देना पड़ेगा। 4,000 रुपया एक स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है, वो 4,000 रुपया मंथली स्टाइपेंड लेगा, आपके काम करेगा, उस 4,000 रुपया में वो अपना कैरियर बनाएगा, महीने में स्कॉलरशिप उसको मिल रहा है, उसमें सरकार 1,000 करोड़ रुपया दे रही है, 1,000 रुपया दे रही है। उसकी अगर खर्चा पूरा 10 लाख में हमें 1,500 की बैंडविड्थ में भी खर्चा करना पड़े तो हमारी दायित्व बनेगी लगभग 2-2.5 हजार करोड़ रुपया हम उसको खर्चा करेंगे। हायर एजुकेशन में भी 2-2.5 हजार करोड़ रुपया है सालाना, 5,000 करोड़ रुपया में अप्रेंटिसशिप में खर्चा करने की सरकार की इन प्रिंसिपल व्यवस्था है। इन प्रिंसिपल इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा, इंडस्ट्री उसमें से को फायदा में रहेगा और हमारे बच्चे फायदे में रहेंगे। पढ़ाई और कमाई, डिग्री और कॉम्पिटेंसी और नई प्रकार की कॉम्पिटेंसी,
दुनिया जैसे मैंने कहा बदल रहा है, उसमें नई प्रकार की कॉम्पिटेंसी को हम अप्रेंटिसशिप के माध्यम से मैंने फैक्ट्री की फ्लोर पे, रिटेल चेन यानी कहा एक बहुत बड़ा मॉल में वो काम कर सकता है, वो उसके लिए फैक्ट्री है। मेरे को अच्छा लगा बहुत इंडस्ट्री एसोसिएशन उसमें से जुड़े हैं। मैं तो कहूंगा विभाग जिला स्तर की इंडस्ट्री एसोसिएशन तक पहुंचे, इसकी अवेयरनेस कैंपेनिंग बढ़ाए, कहां कहां अप्रेंटिसशिप करते हैं किया जा सकता उसकी कल्पना दे, अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप ये दोनों, कई जगह पे तो इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है।